नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में, हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। निशांत राठौर आत्महत्या मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए रायसेन पुलिस को SIT गठित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है। इसके अलावा मृतक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कमर के ऊपर कोई चोट नहीं है। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। भोपाल से संवाददाता उमेर खान की रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया जो पुलिस जांच में आया है वो सुसाइडल की तरफ आया है। मिश्रा उसका प्रिजर्व कर लिया है। आज जो उसके मोबाइल की भी जांच की गई है, मोबाइल पे जो मैसेज उसने परिवार को किया है वो मैसेज भी घटना के पहले किया है, घटना के पहले का मैसेज है, पर वो भी जांच में लिया है। आज मुझसे कुछ संगठन के लोग मिले भी थे। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूँ, अधिकारियों को, कि इसमें SIT बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। ये सभी जांच के बिंदु हैं जो आपने बताए हैं और ये सब उस जांच में लिए जाएंगे। अगर और भी कोई विशेष जांच के लिए बिंदु मिलेगा वो भी SIT को दिए जाएंगे। जी हाँ, जिस एंगल में जांच अभी गई थी उस एंगल में उसका, क्योंकि कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है, उसका जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही PM रिपोर्ट में भी आया है। PM रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर लिए, देख ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है। कोई चोट का निशान तब का भी नहीं, बाद का भी नहीं। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक SIT बना रहे हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।